काशी के रंग, काशी के भंग और काशी के उमंग से कोई नहीं बच सकता, फिर वो चाहे आम आदमी हो या फिर इस देश का सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबके मन में काशी का रंग छा जाता है। ऐसा ही कुछ नजारा प्रधानमंत्री के वाराणसी प्रवास के दौरान दिखा। मोदी जी भी काशी के रंग से खुद को नहीं बचा पाए। काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद वो आम भक्त की तरह मंदिर में डमरू बजाते नजर आए। बाबा के दरबार के बाद काशी की सड़क पर निकले पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा। मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री पर चारों तरफ से पुष्प वर्षा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जितना काशी मोदी के मन में बसा हुआ है, उतना ही काशी की जनता के मन में मोदी बसे हुए हैं। देश के सबसे शक्तिशाली नेता को अपने बीच पाकर काशी की जनता अभिभूत नजर आ रही थी। इस रोड शो के दौरान अचानक एक शख्स बेटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ा। मोदी तुरंत उस पिता की मन की बात समझ गए और बिटिया के सिर पर प्यार और स्नेह से अपना हाथ रख दिया। वहीं थोड़ा आगे बढ़ने के बाद भीड़ से एक शख्स तस्वीर का एक फ्रेम लेकर प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़ में भी इस शख्स को निराश नहीं किया और फौरन तस्वीर उनके हाथ से ले ली। ऐसे ही अंदाज से मोदी लोगों के मन से जुड़ जाते हैं। वाराणसी में रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पप्पू की अड़ी नाम के मशहूर चाय की दुकान पर आए। यहां उन्होंने आम लोगों के साथ घुल मिलकर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने आम आदमी के बीच बैठकर चाय की चुस्कियां भी ली। पप्पू की अड़ी पर बनने वाले चाय का स्वाद मोदी जी को भी खूब भाया। उन्होंने दुकान से जाते जाते भी एक बार और चाय का आनंद उठाया, साथ ही दुकानदार की भी पीठ थपथपाकर उनका उत्साह बढ़ाया। एक तरफ मोदी चाय की चुस्की ले रहे थे तो दूसरी तरफ मोदी के चाहने वाले लोग नारे लगाते रहे।
बनारस में हो और पान का मजा आप न लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए चाय के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारसी मीठे पान का भी लुत्फ उठाया। आपने भारत के प्रधानमंत्री को साधारण दुकान पर बैठकर लोगों के साथ चाय की चुस्की लेते हुए कब देखा है? शायद कभी नहीं। लोगों से घुल मिल जाने की यही अदा मोदी को मोदी बनाती है। ये ऐसा ब्रह्मांड है जिसकी चमक अभी भी बरकरार है। इसलिए ये कहा जाता है कि आप मोदी के समर्थक हो सकते हैं, आप मोदी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप कभी मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते। काशी में आने के बाद ठेठ और अल्हड़ अंदाज से मोदी ने एक बार फिर लाखों लोगों को अपना मुरीद बना लिया है। शायद मोदी का यही अंदाज है कि अभी तक उनके विरोधी उनके सामने पस्त पड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।